भोजपुरी सुपर सिंह अब नजर आएंगे भाई एक गाने में, लेकिन इस गाने में क्या खास है? खास ये है कि सॉन्ग राइटर अखिलेश कश्यप वो गाना लिखेंगे। जी हाँ, लिरिक्स राइटर अखिलेश कश्यप वो गाना लिखेंगे। आप ये कहेंगे कि इसमें क्या खास है, अखिलेश कश्यप ने तो कई गाने लिखे हैं जैसे मौगी खेले पबजी। जी हाँ, मौगी खेले पबजी जो खेसारी का गाना है, और अखिलेश ज़्यादातर खेसारी के लिए ही गाना लिखते हैं, लेकिन अब वो पवन सिंह के साथ भी काम करते नज़र आएंगे उनके नए एल्बम में। अखिलेश इस वक्त बिहार आ चुके हैं, उन्होंने पवन सिंह के साथ मुलाकात की। पवन सिंह की तरफ से ही उनको कॉल गया था कि उनके लिए कोई अच्छा गाना लिखे, और अखिलेश ने धड़ाधड़ उनके लिए दो गाने डाले हैं। और बताया जा रहा है बोल बम का सॉन्ग भी पवन सिंह अखिलेश द्वारा ही लिखाए हुए गाने पर गाएंगे। और पवन सिंह फिर से मीठा मीठा बात है कमरिया के जो रिकॉर्ड बन रहे हैं, यानी 25 मिलियन व्यूज़ उसके पहुंच गए हैं 2 वीक में ही, तो उसे फिर से इस कामयाबी को भुनाना चाहते हैं। और अखिलेश से कुछ ऐसे गाने भी लिखवाएंगे जैसे रोमांटिक नंबर हो गया और कैची नंबर हो गया, ये सारे भी गाने अखिलेश लिखेंगे। अभी के लिए तो ये खबर आ रही है कि अखिलेश उनसे मिलने पहुँचे हैं और अखिलेश ने उनके लिए 2 गाने लिखे हैं जिसे पवन सिंह जल्दी रिकॉर्ड करेंगे, और 1 गाना बोल बम का भी में से होगा। अब लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में वो समय समाप्त हो गया जब खेसारी के खेमे का व्यक्ति पवन सिंह के साथ काम नहीं कर सकता था और पवन सिंह के खेमे का व्यक्ति खेसारी के साथ नहीं। यहाँ अब खेमा लगता है ख़त्म होने वाला है और शुरुआत होने वाली है एक ऐसी भोजपुरी की जहाँ सब मिलजुल कर काम करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।